एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राम अवधेश कुमार वेलकम करता हूं अपने चैनल ड्रीम पे। मैं ग्रेडर ऑपरेटर और नेटवर्कर भी हूं, जो वेस्टीज कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है। इसके साथ जुड़िए, अपना आमदनी बढ़ाइए, घंटे दो घंटे भी समय निकाल के अपने टाइम काम के साथ इसको भी कर सकते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो जाइए, सर्च कीजिए साइट पे। अभी हम लोग सऊदी अरबिया में अलसेफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। इस चैनल पे हम लोग लगातार मशीनों के बारे में ही वीडियो डालते हैं, तो कुछ इसमें ऐड करना या सुधार करना, कुछ और इससे जुड़ा हुआ रिलेटेड कुछ टॉपिक हो तो उसको सजेस्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में आइए, वेलकम है आपका। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं मशीन। इस वीडियो में हम जानेंगे मशीन चलाना और मशीन से रिलेटेड जानकारी। तो ये 930K है कैट का, इसका मैक्स ग्रॉस पावर इंजन का 119 KB किलोवाट है। ऑपरेटिंग वेट 13130 किलो है और बैकेट कैपेसिटी 2.1 से 5 MQ है। मिलते हैं ऑपरेटर इश्तियाक हुसैन, कल रसीदा, रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान। तो चलते हैं, देखते हैं 930 के ऑपरेशन, देखेंगे ये सब। ट्रांसमिशन, ये पंप है, ये ब्रेक सिस्टम, ये सब प्रॉपर सॉफ्ट भी बोलते हैं इसको। ट्रेवल किया 2, 3, 4 जी, चार गियर है इसका। बाकी ये बागटों का सिस्टम है, हमने छेड़ में नहीं करता है, ये स्पीड इसका होता है, इसमें एक्सेलेटर पकड़ता है। ये हम इधर से छोड़ देना, इससे एक्सेलेटर जोर नहीं, बाकट नहीं पड़ेगा भाई, अपना एक्सेलेटर थोड़ा पकड़ लेता है इससे। तो बाकी ये बाकट का एक अगर लेवल लेवल करने के लिए इसको थोड़ा मारेगा फंक्शन, बाकट ऊपर करके नीचे अपने लेवल में रख देगा। चार इसका ये गियर है, बाकी ये पार्किंग है, ये हाइड्रोलिक का है, लगा देगा। ये रुक गया, ये अप डाउन नहीं करेगा, ये अभी काम इसने छोड़ दिया अपना। बाकी ये बटन है इसका, आगे पीछे सेंटर में न्यूट्रल है, और नजदीक हो जाएगा हमारा। हाँ भाई जान, आगे कलर से हमारे ऑपरेटर साथी हैं जो पाकिस्तान रावलपिंडी से। और कौन सा आपका गांव हुआ? आगे कलर सहीदा है गांव हमारा, तो आगे है पेर हाली नाम है गांव का, कलर सहीदा से आगे है थोड़ा। जी जी, मैं उधर का है, चौहा खालसा पेर हाली आगे गांव हमारा। जी, मैं उधर का हूँ। सीखने में तो बहुत स्ट्रगल हुआ होगा जब स्टार्ट किया हमने, तो बहुत इसमें तो बहुत मैंने रात दिन देखा नहीं है ना, फिर इसमें मेहनत करना पड़ता है। शौक नहीं है ये चीज सीखना है, तो शौक में अगर आदमी को शौक है तो फिर सीखेगा, धक्के से कोई काम नहीं होता है। जी, अगर आदमी बोले कि ऐसे बराबर आ गया तो चलो चलो, या दो बाकट मारा उसका दिल नहीं है तो उसमें सीखेगा नहीं। शौक होता है, इसमें मेहनत करना पड़ता है, मशीन को साफ सफा रखना पड़ता है। ऑपरेटर बोलेगा ये हमारे साथ, उसको हम रात को 12-12 एक एक बजे तक साथ तक करता रहा। जी, तो ऐसे हम जब तक मेहनत नहीं करते तब तक समझ नहीं आएगा। तो नहीं है दादा, बोलते हैं ओवर टाइम नहीं है तो साला बताना चाहिए ना, कोई मुश्किल नहीं अभी है चक्कर वो लगा के, अभी गाड़ी भी आगे से वापस आ रहे हैं कोई काम इसका मुश्किल नहीं। अगर आदमी शौक वाला हो, शौक रखे तो 2-4 दिन में समझ जाता है। अगर उधर भी आपने मुल्क में भी तो सिस्टम है ना, कोई वो बात नहीं है परेशानी वाला। जी, उधर यह है कि इतना आदमी ट्रेनिंग नहीं ले सकता है, डीजल महंगा है, सारा कुछ है, इतना पैसा भी वो लेगा फिर भी इतना ट्रेनिंग नहीं देगा। हाँ, कुछ दिन रहना पड़ेगा। जो
मशीन सीखेगा, मशीन को समझेगा, वो कंपनी के अंदर आके समझेगा। इधर ये है कि ना कंपनी को किसी चीज का परेशानी है, ना डीजल का परेशानी है, ना किसी चीज का कंपनी को टेंशन नहीं होता है ना जी। और कंपनी के इधर सीख सकता है, अपने मुल्क में हमेशा कंपनी का ही है, फिर भी वो नहीं बर्दाश्त करते। हाँ, क्योंकि डीजल महंगा है ना, और उधर बर्दाश्त नहीं। अगर रेंट वाला है मशीन तो उसका रेंट देना पड़ता है। ऐसे भी है ना, उधर आप देखो कि दो दो आदमी भी मशीन के साथ छोड़ा है जो मशीन को साफ सुथरा करेगा। इधर वो ऑपरेटर ही है, करे तो फिर भी सही है, चलो साफ सुथरा आदमी सीट में बैठता है जी जी। तो कुछ आदमी नहीं भी करता है, बोलता है ऐसे गाली बना होता है करते है। हम तो मशीन को साफ सुथरा रखेगा जी जी। इससे रिजक कमा रहा है जी। तो हमारा 21 साल हो गया हम इसको चला रहे हैं जी जी। सारा मशीनरी चलाया, ये नहीं है कि हर चीज को मैं ये वार्निंग आ रहा है, ये वार्निंग आ रहा है। हिड्रॉलिक इसका एक दिन पैप फट गया, हिड्रॉलिक डाला तो कोई हिड्रॉलिक हो डाल दिया, वो डालने के साथ ही 20 मिनट के 15 के बाद इसने वार्निंग शुरू कर दी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पांचवा नंबर गियर में चल रहा है। नहीं, अभी दूसरे में चल रहे हैं। अच्छा, स्पीड जो है इसका स्पीड दिखा रहे हैं। स्पीड ये दो जगह में है, इधर भी है और ये भी है, इसमें भी ये पांच में जा रहा है ना। अभी थोड़ा सा बढ़ता जाता है, ये एक्सेलरेटर हम देता जाएगा ना, ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा। जितना एक्सेलरेटर देगा इतना ये खुद ही बढ़ता जाएगा, ये 40 तक जाएगा। यहाँ तो जैसे लेवल नहीं है ना, बराबर नहीं है लेवल का, वो दोनों साइड है उसका जी। कोने में कुछ सारा एक जैसा नहीं है इसका, ऐसे है कुछ जो उसका उस साइड से अंदर वाली साइड में ऐसे प्लेट लगा है जी। उसमें वो प्लेट अच्छा नीचे उतरेंगे ना तो थोड़ा उसको वो लेवल ऐसे प्लेट है, प्लेट में उसका लेवल होगा। बाकी आदमी अगर शौक वाला है तो कोई मुश्किल नहीं है, दो चार दिन के अंदर। बाकेट का मेन मसला है, बाकी थोड़ा अगर ड्राइवरी आदमी जानता है ना जी, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी होना चाहिए, इंटरेस्ट लेने वाला आदमी चाहिए, थोड़ा सा शौक भी उसको रखना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको दिमाग रखना। ऑटो में भी चल रहा है, दिमाग आदर रखना पड़ेगा इसमें। ये नहीं है कि आदमी बोलेगा भाई ठीक है मैं जा रहा ना, आगे देखा इसमें थोड़ा पीछे भी जाने में आगे जाने में हमने नुकसान हो जाता है। जब काम करता है आदमी नुकसान भी तो होता है, सारा कुछ होता है, काम हो जाता है। पर उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं तो बहुत आसान थोड़ा सा एक बार लीवर को पुश कीजिएगा ना तो दोनों को रख लेते हैं। ये बाकेट ऊपर जा रहा है इसमें जी, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो छोड़ेगा रुक गया, ऐसे किया तो अपनी तरफ आ रहा है नीचे डाउन था, अगर इधर किया तो आगे गिरा दिया बाकेट इसने जी। ये ऊपर कर रहा है, ये आगे नीचे कर रहा है जी। ये अभी बाकेट जो मैंने रख रहा हूँ तो ये अभी बाकेट लेवल में आ गया जी। देख लो अभी ये हमारा जो शॉल है इसमें ये बाकेट लेवल है इसका जी। दोनों साइड ये एक कोना और वो कोना, अच्छा दोनों लेवल है ऐसे खड़ा ऐसे हो गया ना। इस नस्ल का शॉल जो है कैटरपिलर 930 है, इसका सेम सेल जो है उसका वो ही साइड ऐसे है। अच्छा, ये ऐसे रखा गया तो बराबर है लेवल में, ये लेवल में ये वाला जो एंगल है दोनों साइड, वो कोना और वो ये कोना ऐसे जो है ऐसे ऊपर ऐसे नहीं, ये जो है ऐसे थोड़ा सा जैसे अभी ये ओके वाला कंडीशन है, थोड़ा इसको डिस्टर्ब कीजिए तो ये अभी हम ऐसे कर दिया। हाँ, ये नहीं अभी अभी जाएगा तो ऐसे करके खड्डा खराब करेगा, खड्डा करते हुए हमने ऐसे डाउन कर दिया जी। आगे दांत है जी। ये हम बजरी उठा रहा है तो साथ मट्टी भी ले गया, रंबल उठा रहा है साथ मट्टी भी ले गया, खड्डा कर दिया उसमें नहीं है, जिधर भी जाएगा फिर कामयाब नहीं है जी। इसमें थोड़ा सा मेहनत करेगा, मुश्किल काम नहीं है, टेंशन वाला कुछ भी नहीं है। और किस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे? ध्यान यही है इसमें, जब बैठेगा अपना मशीन का पहले तेल पानी अपना चेक करना, टायर चेक करना उसमें हवा है नहीं है जी जी। हाँ, मैंने अगर लीकेज हो गया टायर में तो उस पर हमेशा ध्यान देना है। दौड़ के सलो मार दिया स्टार्ट करके, कोई बोले आ जाओ, जब चले तो बोले हमारे पास हवा नहीं है जी। वो नहीं, स्टार्ट से पहले टायर चार टायर चेक करो, उसका इंजन ऑयल चेक करो, गालक चेक करो, पानी चेक करो, हर चीज पूरा उसका चेक करके, तेल पानी पूरा है, चलने में टूट फूट होता है, रास्ते में पंचर भी होता है, कुछ भी होता है, पर अपनी तरफ से मशीन रेडी है तो फिर जाओ, नहीं है रेडी तो आगे तलाश करो भाई मशीन को, ये प्रॉब्लम है ऐसे लेकर मत जाओ, कंपनी का काम है
अच्छा, जैसे पूरा लेबल हमको कहीं का कटिंग जैसे मिट्टी उठाया हुआ है उसको बराबर करना है, जैसे पोकलेन उठाया हुआ है। बाकेट को लोड नहीं देना, हाँ ऐसे बिल्कुल जैसे पानी में जाए हल्का रखना है, घुसाते हुए वो मैंने डाउन करते हुए इसको मैंने सीधा बिल्कुल उसमें नया आदमी को कोई समझ नहीं आ रहा ना, तो वापसी में ऐसे थोड़ा दांत मारा, वापसी में उल्टा पाकड़ मारा, ऐसे ही लेवल में वो लेवल हो जाएगा। टायर टायर के लिए अगर रास्ता बना लेगा तो बराबर रहेगा वापसी में आते समय। चलो थोड़ा बला ऊपर नीचे हो गया वापसी, ऐसे उल्टा पकड़ मारा। हाँ, फिर टायर को मैंने बराबर लेके चलना है, बराबर लेकर चलना है। इसको देखना है कि हमारा आगे जा रहा है, आगे कच्चा जगह है कुछ है, उसमें रिस्क नहीं लेना। रिस्क लिया भाकड़ बाहर के घुमाया, कच्चा जगह एक टायर बैठ गया भाकड़ ऊपर है, चलती अपना पाँव पक्का करके जाओ, कच्चा जगह आगे खड़ा है तो ऊपर घुमाओ फिर पट्टी वापस लाओ, पहले चेक कर लीजिए। हाँ ऊपर आगे पीछे करो कि हमारा मशीन बैठ नहीं रहा है इसमें जी, हमारा घूमने का जगह है सही है मुतमिन है, मैं गाड़ी जोड़ करो कोई मुश्किल नहीं, अगर जगह कच्चा है तो कोई पीछे से शोर करे जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी में परेशानी प्रेशर में काम नहीं करना है। प्रेशर में काम किया तो मशीन कर दिखा दिया तो वो बोलेगा अगर जगह सही नहीं था तो क्यों किया, जगह पहले सही करना था। काम के लिए सब अपने ऊपर बात नहीं आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा, ऑपरेटर के ऊपर आ जाएगा, अगर ऑपरेटर सही नहीं है इसको पता नहीं है, फिर वो कंपनी वाला उसको देगा ना, जर्सी में जाएगा उधर इतना बताते नहीं है ना, इतना लंबा पूछ भी नहीं है जी, जी। इतना लंबा नहीं है, मशीन वो देगा बोलेगा कि पाकेट भरो, जैसे पाकेट भर के या गाड़ी में डालना है इतना ही होगा, इससे ज्यादा पूरा तेल पानी का कोई नहीं पूछता है जी। पर पता होना चाहिए जब इधर आए ऑपरेटरी में आए तो उसको हर चीज का पता हो, कि मैं मुझे अगर सुबह चाबी दिया तो मुझे खबर होना चाहिए कि तेल किधर है जी, जी। मशीन का तेल हमारा किधर पड़ा है उसको मैं चेक कर रहे, कोई पूछ ले उसमें तेल है ही नहीं है लेकर चला गया, डीजल है कितना नहीं है मालूम, प्रॉब्लम कर दिया उधर कॉल कर रहे हैं। मैंने इंटीरियर में कहीं जाना हुआ उधर पंप वगैरह नहीं नहीं है, कॉल किया तो ये पता नहीं है हमारा मशीन किस वजह से खड़ा हो, उधर बताना है भाई ये प्रॉब्लम हो गया हमारा, तो करना तो मैकेनिक नहीं करना है लेकिन नॉलेज अपने आप को होना चाहिए, पता होना चाहिए हमारी मशीन को ये प्रॉब्लम है, ऐसा ना भी हो ना चलो थोड़ा बना भी कोई पता होना चाहिए ये चीज़ है। बाकी पिछले वीडियो में तो पूरा फंक्शन हम लोग बता दिए थे, इसमें था कि मैंने ऑपरेटर को जानकारी क्या क्या होना चाहिए इसी के, नहीं वो कोई मुश्किल वाला सिस्टम नहीं है, इसका लीवर एक है, एक लीवर में इसमें बस यही फंक्शन है, बाकी बटन ये पीछे जा रहा है, जा रहा ये आगे जा रहा है, ये सेंटर में दिया रिवर्स वाला दबाइएगा, ये रिवर्स ज्यादा वो ये सब ओके होना चाहिए, लाइट हॉर्न रिवर्स का हॉर्न को कुछ होता है कंपनी में किसी जगह में नहीं भी होता है हॉर्न जी जी, उसमें ये है कि सेफ्टी अगर साइड में मजबूत है सेफ्टी वाला बोलेगा लगाओ तो लगा देते हैं जी, छोटा मोटा को मसलन हर जगह में नहीं है, है जरूरी है ये तो मैंने ये चीज बहुत जरूरी है जी, जी। अगर ऑपरेटर नहीं भी पीछे देखेगा टूर टू करके अगर कोई पीछे आदमी आ रहा है तो वो खुद बचे, कई बार होता है ऑपरेटर का नहीं जहन में रहा नहीं देखा तो आदमी पीछे खड़ा है और जा रहा है उसको पता नहीं चला उसके ऊपर चला गया, लुकिंग ग्लास भी प्रॉपर सेट होना चाहिए उसमें, यह है कि ये बिल्कुल ध्यान करना चाहिए, अगर कोई आदमी भी हम इधर भी करता है ना आदमी साइड में नहीं होता है, अगर आदमी का भी गलती है वो उसका नहीं है वो हमारे ऑपरेटर को पकड़ता है, उसने नहीं देखा तो तू क्या मशीन चला रहे, तो तुम्हारा काम था देखना, हमें खुद बचना पड़ता है। अभी ये जो खड़ा है बिल्कुल ये डायरेक्शन रखना है, जैसे ये हम मिट्टी लेके जा रहे हैं तो अगर जरा सा भी डाउन करेंगे मोड़ेंगे तो ज़्यादा कटिंग ज़्यादा करने लगता है, लेकिन ये कंडीशन रहेगा तो लेवल भी पूरा आएगा, और कभी जैसे ये मिट्टी बराबर करना होता है डंपिंग भी तोड़ना होता है कहीं कहीं, तो
तो लेके थोड़ा मिट्टी पीछे आ जाए ताकि आपका व्हील जो है, आपका टायर जो है वो बराबर चले। जैसे ये देखिए साथ में लेके आ रहे हैं, ये बराबर खुला। अब क्या होगा कि अब जब आपका इधर से मिट्टी लेके आइएगा तो आपका व्हील बराबर में चलेगा, बिल्कुल देखिए सीधा है, सीधा जा रहा है, वो नीचे नीचे डैमेज ऐसे खड़ा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है बिल्कुल। ये पोजीशन है, इसी को नीचे रख के ना जाइए, आइए कितना बार भी आइए जाइए, लेवल आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन वही थोड़ा दबा देंगे तो फिर वो कटिंग करना चालू कर देगा, फिर लेवल आउट हो जाएगा आपका। बाकी तो आप चलाइएगा, उसके बाद आपको अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे ये अभी अगर इस पोजीशन में नीचे लेके जाते हैं तो कटिंग वाला पोजीशन, लूज करने वाला पोजीशन है। ये जैसे बराबर करना है तो बराबर नीचे चलेंगे। ये देखिए बिल्कुल लेवल वाला पोजीशन है, अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा तो फिर कटिंग होना चालू हो जाएगा, लाइन आउट हो जाएगा। ये आपने देखा बिल्कुल बराबर गई है मशीन, धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का फोल्ड करके जैसे स्प्रेड करना, मिट्टी को बिछाना है, थोड़ा थोड़ा बॉकेट खोल के जाते जाइए, उठाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, उठाते जाइए। रिपीट कीजिएगा दो बार तो पूरा लेवल हो जाएगा। देख रहा हूँ पूरा लेवल हो इस तरह। ये एक सैंपल था जो ऑपरेटर साहब को रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे ही आप लोगों को बॉकेट पे केयर करना है जब भी लगाना है। तो क्योंकि जब आप रिटर्न में लेके आते हैं तो बराबर हो जाता है, लेवल हो जाता है। इसके बाद जब आपका व्हील आएगा उसके ऊपर आएगा तो अप डाउन नहीं होगा। वैसे ये लेके आ रहे हैं तो ये बराबर आएगा, लेवल में आएगा। ये बाकेट पिच सीधा है, जरा थोड़ा उठा के आगे पुश करते जाइएगा। कभी भी काम को इंटरेस्ट लेके करना है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आप इंटरेस्ट लेके काम करने लगिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ अब हम पहले से बेटर कर पा रहे हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होता है काम में तो उसको अच्छा से नहीं कर पाते। ये एंगल जो है जी, जो कुछ बड़ा शवल से उसमें ऐसे ब्लेड लगा होता है इधर। अच्छा अच्छा, उसका इधर भी लेवल होता है। इसका ये साइड और वो साइड दोनों इसका लेवल है। हाँ, मैंने ये अगर सही है तो ग्राउंड लेवल होगा तो ये ग्राउंड से ही करेगा। अगर डाउन किया जी, तो मट्टी नीचे से निकालेगा जी। अगर ऐसे किया तो फिर नीचे ऐसे मारेगा, खराब करेगा जी। इसमें नजर रखना, लागत का लेवल सही हो तो बाकी परेशानी नहीं होता। थोड़ा बड़ा जाने वाला काम जाने वाला थोड़ा
छोटा मोटा गाड़ी भी अगर चलाया ना जी जी तो ऑपरेटिव मुश्किल नहीं है इसका, पाकट का लेवल जरूरी है। हाँ, ये इस तरह इस कंडीशन में अगर रखते हैं पाकट इस कंडीशन में होगा ये लेवल इसका ऐसे पाकट होगा जिधर भी जाएगा फालतू चीज नहीं उठाएगा, जो आपने उठाना है वो उसको उठाएगा, कोई प्रेस नहीं करना है ज्यादा कभी भी अगर कच्चा जगह है। हाँ हाँ, रंबल उठा रहे नीचे से मट्टी उठा लिया जी जी, फिर वो जो कोई आदमी भी देखेगा काम वाला बोलेगा ये तो काम नहीं जानता है, नहीं मानता, कितना मशीनरी वापस कर दिया इधर से जी जी जी। हम मशीन कितना भी अच्छा है लेकिन ऑपरेटर में अगर कमी है तो फिर उसको ऑपरेटर का ग्रोथ है, मशीन कमजोर भी है तो ऑपरेटर उसको चलाएगा क्योंकि उसको अच्छा तरीका मालूम है, ऑपरेटर कमजोर है नहीं काम जी। मैं ऑपरेटर तकड़ा होना चाहिए तो मशीन कमजोर को भी चलाएगा। इंटरेस्ट हम बताएं इसमें क्या इंटरेस्ट आपका होना चाहिए काम के ऊपर, अपना ध्यान होना चाहिए काम में, ये ना मोबाइल में ध्यान हो, आज मोबाइल में ठोक दिया उधर ठोक दिया, कंपनी ऐसे नहीं मानता है, नुकसान भी होता है कंपनी में बर्दाश्त करता है। अगर आप काम करके देंगे तब काम करने वाला आदमी से नुकसान हो गया कंपनी हमारे से खुद भी हुआ जी जी, बार हो गया ये बात नहीं, हम बहुत बहुत तकड़ा है हमारे से भी हुआ नुकसान जी, हम काम जिधर करता है ना जी काम को भी हमारा मानते हैं, फोरमैन सुपरवाइजर इंजीनियर तक भी हमारे काम को मानता है तो उसकी वजह से वो बर्दाश्त करते हैं, बोलते हैं चलो काम भी तो यही लोग करते हैं, गलती भी इनसे ही होता है जी जी। तो अगर ऐसे हो गया कितना आदमी एक आदमी ने मोबाइल मार दिया इधर जी एक्सीडेंट हो गया, हाँ वो तो सेफ्टी वाला वार्निंग लेटर देता है, वार्निंग लेटर दिया उसमें साफ भी काट सकते हैं, फायदा होगा बाकी पीएमबी के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, उसमें अगर वो ध्यान करता है जी इतना बड़ा काम भी नहीं था, उसको घुमाने में देखे कि हमारा मशीन का जगह है घूमने का, उसने नहीं देखा जगह ध्यान नहीं किया जी, पर वो अपनी जगह से थोड़ा हटा दिया तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू बन गया, उतार के अभी छोटा दिया फिर इज्जत भी खराब हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। जिधर भी काम करो पहले अपना जगह देखो, हमारे मशीन कितना एरिया है वहाँ के कोई केबल आगे आ रहा है कुछ आ रहा है पहले बुलाओ, फोरमैन को बुलाओ, आदमी अपने को बुलाओ उधर, बोलो भाई ये चेक करो केबल साइड में करो, कोई चीज पीछे है कोई रिस्क, कंपनी में रिस्क से काम चल ही नहीं सकता जी, जब करेगा तो अपना नुकसान करेगा। कभी भी मान लीजिए जहाँ भीड़ वाला इलाका या ट्रैफिक वाला इलाका है पूरा लाइट जला दीजिए, लाइट जल रहे हमारा और मैं उनको बोलूँ भाई एक आदमी हमें जी, हमारा आगे पीछे हम जाते हैं हमारे आगे कोई कचरा आता है स्टील आता है कुछ आता है वो निकालेगा, आदमी कोई उधर से आ रहा है भाई इधर काम हो रहा है थोड़ा उधर से निकल गया, कोई गाड़ी वाला आ रहा है हमारा नज़र नहीं पड़ा तो वो हमें इशारा कर देगा थोड़ा रुकना गाड़ी निकल रहा जी, एक आदमी लाजमी उधर चाहिए, आदमी बोले तो भाई ठीक है नहीं नहीं मैं करेगा नुकसान कर दिया जी, तो उसमें फिर अपना नुकसान है, अगर अगर बार बार नुकसान करेगा तो कंपनी तक टर्मिनेट भी कर देगा, पैसा अपने तरफ से लगा दिया जी, इतना नुकसान करके इधर से जाएगा इज्जत भी खराब होता है में पैसों के सामने इज्जत भी खराब हो जाता है आदमी का, ये रखिए कैसा आदमी आ गया जिसको कोई ध्यान नहीं है ना मशीन का है, अच्छा ये लॉक कब यूज करते हैं ये जो लॉक दिया है जब लोड किया लो बट जो अच्छा अच्छा तब यूज होता है उस टाइम इसको उधर से पिन निकाल दो इसमें डाल दो कहीं शिफ्ट करना हुआ लोड करके हिलना नहीं है फिक्स हो जाता है वो फिर कटाई नहीं है कटाई जिसका इसी में पैर नहीं कटना है इसी में कटाई जब ये लॉक कर दिया कटाई ना ये ज़्यादातर शिफ्टिंग के लिए दिया गया ये सेफ्टी है इसका अगर थोड़ा बड़ा सफ़र है नहीं भी लगाया तो मुश्किल नहीं है बांध दिया सही मजबूती से ये उन लोगों ने सेफ्टी दे दिया कि ये इमरजेंसी स्टॉप दिया ये इसमें ये इमरजेंसी है इसमें अगर इसको हम करेगा तो बंद हो गया इसमें ये बंद हो गया नहीं करना नहीं है जैसे इमरजेंसी है तभी इमरजेंसी है तो इसको करना कहीं इमरजेंसी बन गया नीचे आपको प्रॉब्लम हो गया तो इसको किया तो ये बंद हो गया ऊपर इसको नहीं छोड़ना फिर उसको नीचे अभी स्विच ऑन है तो उसने टूल टूल शुरू कर दिया बोलता है मेरा स्विच ऑफ करो या स्टार्ट करो या स्विच ऑफ करो दो काम है ठीक है। तो भाईजान आपने इतना जानकारी दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। कोई आदमी या कोई उस पर कोई परेशानी वाला कोई बात नहीं है
कोई टेंशन वाला नहीं है, सिर्फ लेबर का थोड़ा ध्यान रखना जी, बाकी इसका यही सिस्टम है, कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। आदमी ध्यान रखने वाला है, थोड़ा बड़ा ड्रा भी जाता है, कोई उसके लिए कुछ नहीं है। यही इसका फंक्शन जो मैंने बता दिया, यही जाता है लेबर को, या जो आपने देख लिया कोई परेशानी वाला बात नहीं है। टेंशन लेकर किसी जगह में भी सीखना नहीं है, उधर भी जाएगा अपना जो चीज़ देख लिया उसको जाके देखो, पहले चेक करो तेल पानी में, अगर बोले तो आप इधर देख लो, उधर जाके देखो भाई ये तेल पानी में, पहले तो पूछेगा नहीं, अगर पूछे तो कुछ नहीं है, हर चीज़ सामने पड़े है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जाओ मजे से अपना नौकरी में जाओ, ध्यान करो, आगे लाना कोई परेशानी वाला काम है, काम करना है। हाइड्रोलिक टैंक किधर है इसका? ये ऊपर है। ये टैंकी इसका हाइड्रोलिक वाला, ये टैंकी ऊपर, इसमें इधर से डालना इधर से है, ये इसमें इसमें लाख लगाए, बाकी देखने वाला ये अंदर है, अभी दरवाज़ा खुला है ना, ये देखने वाला है, देखना है इससे भी चीज़ों में होगा, सब वो फिर नीचे से नज़र आ जाएगा, बाकी वो अभी दरवाज़ा बंद करके करेंगे तो नज़र आ जाएगा। ये सामने ये वाला थोड़ा सा उसमें ऊपर फर्क होना है, जब इसको ज़्यादा होगा तो फिर पैर पड़े। हाँ मैंने जितना मैक्सिमम दिया हुआ है वही रखना है, जो भी सीख रहे हैं उसका जरूरत पकड़ के, जब उसने आपको दर्शन पूरा कर दिया उसके बाद में रिवर नहीं खींचना, जब मैंने खींचेगा तो पैर मार देगा, फिर उसके बाद ठीक होगा, हो जाएगा अचानक। बाकी क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर दिया तो ठीक हो, वो फाड़ देगा।